आज दोपहर गोपाल मंदिर चौराहे पर उज्जैन दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस ने चीन के सदर शी जिनपिंग और न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन का पुतला नजर आतिश किया। साथ ही एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया के नाम मुतालिका थाना इंचार्ज को दिया। इस मौके पर दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस के सदर मुजीब भाई सुपारीवाला ने एनएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि पूरा मुल्क और कांग्रेस पार्टी हुकूमत के साथ है, हमारे शहीद जवानों की कुर्बानी जाया नहीं जाना चाहिए, चीन को उसकी इस बुजदिलाना हरकत के लिए सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने अपनी टीआरपी के खातिर ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखाना बात कहिए, हम उसकी भी सख्त मजम्मत और कड़ी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में यहां पर चीन का पुतला जलाया गया। जिस हिसाब से चीनी शुरू से ही दोगला रहा है, चीनी इंसान शुरू से ही दोगला रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे की बात हो, ये तो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जब उनके टाइम पे जब चीन ने आग दिखाई थी तो हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था उन्हें, और ऐसे ही हम पाकिस्तान को भी 2-3-4 बार हरा चुके हैं। हम आज ये बात को इसलिए बताना चाह रहे हैं, ये जलाया पुतला इसलिए जलाया गया है कि चीन ने हमारे सैनिकों को शहीद करा। हमारे सैनिक निहत्ते उनसे बात करने गए थे, वो लोग हाथों में खुरपी लेके आए थे और हमारे सेनाओं पे हमला कर दिया, हमारे सैनिकों पे हमला कर दिया था। तो ये बहुत दोगली नीति है। और वो ही कमबख्त राष्ट्रपति जब यहाँ पर आया था तो हमारे वहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें जगह जगह घुमाए फिरे थे और उनका राजकीय उनका बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्वागत करा था, और उसने आज ये स्वागत का नतीजा हमें ये दिया कि हमारे निहत्ते सैनिकों को 20 सैनिकों को शहीद कर डाला। उसकी इसलिए कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ये अपील करती है जनता से, और नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करती है कि पूरा विपक्ष तुम्हारे साथ है, तुम्हें अब जवाब देना है, तुम्हें मन की बात नहीं करना है, तुम्हें अब सामना करना है, हम तुम्हारे साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ है, और तो हमारे सैनिकों का बदला तुम्हें लेना पड़ेगा। बात उसने मेरे ख्वाजा के बात की है, जिसके लिए नारा रखा है कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज सच पर्दा रखलाज, और वो ख्वाजा गरीब नवाज को उसने उस कमी ने उस कमबख्त ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज का को अपशब्द का है। ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ बच्चे तू देख ले, ऊपर वाले के वहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। सराफा ब्लॉक हमारे दौलतगंज सराफा ब्लॉक के अध्यक्ष इन्होंने प्रोग्राम करा है, आज का जो प्रोग्राम है उसी तरह हम शहर में आगे भी करेंगे। पहला प्रोग्राम इन्होंने शुरुआत कर दी है, आगे पूरे शहर में करेंगे। आज यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति का और अमीश देवगन जो कि जिन्होंने की ख्वाजा साहब के ऊपर टिप्पणी करी है, उनका दोनों का आज पुतला दहन किया गया। पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जी के साथ है। हिंदुस्तान इस बात के लिए नहीं सोता है कि सूरज के डूबने और उगने से, सेना पे जवान और खेतों पे किसान काम करते हैं तब जाके हिंदुस्तान सोता और चलायमान प्रवाहमान होता है। पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के साथ है कि आप युद्ध का ऐलान कर दो, हमने कोरोना से लड़ने के लिए भी आपको दान दिया है, पैसे दिए हैं, हम सब अभी इस बार फिर अगर युद्ध होगा पूरा हिंदुस्तान सोना चांदी धन दौलत सब दान करने को तैयार है। पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। और दूसरी जो इन्होंने टिप्पणी करी अमीश देवगन जी ने ख्वाजा साहब के ऊपर, ये हमारी संस्कृति है, यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अगर किसी ने टिप्पणी करी है तो मुस्लिम समुदाय आगे आया है और उन्होंने उसकी कार्रवाई की मांग करी है। ख्वाजा साहब सभी धर्म के लोग है, हिंदू और मुसलमान तो हम इंसान लोगों ने बना दिया, भगवान ने तो हमें एक ही बना के भेजा था। तो आज हमने जो अमित देवगन जी ने जो टिप्पणी करी इसलिए उनका भी यहाँ पे पुतला दहन किया गया है।